ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराती तरिया रे, गुरु नानक जिन टुनिया पेंखिया से फिर गर्भास न पलिया रे। जग रचना तब झूठ है जान लियो रे मीत, कौ नानक तेर नार है जो बालू की पीत। आपे ही करना कियो कल आपे ही तै तारी है, देखे कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है। जो आया तो चल सी सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साहब मनोबटारी है। अपन खती अपना आपे ही काज तुम्हारी है, काट चलो हर लाखा आगे बसन सुहेला जी, ईगा काट चलो हर लाखा आगे बसन सुहेला जी, ईगा काट काट चलो अल्लाह आगे बटन सुहेला जी, इया काट चलो अल्लाह आगे बटन सुहेला जी। बसनु सुहेला आगे बटन सुहेला, बसन सुहेला जी आगे बसन सुहेला जी। बसन सुहेला आगे बसन सुहेला, बसन सुहेला जी आगे बसन सुहेला जी। ईहां का चलो अल्लाह बसन सुहेला जी, ईहां का चलो अल्लाह आगे बसन सुहेला जी। करूं बनंती सुनो मेर मीता, संत टहल की बेला, ईहा खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। औद कटा दिन सरणा रे, मन गुर मिल काज तुवारे, एहो संसार विकास संत मैं तरयो भरम ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एहो रत अकत कथा तिन ज्ञानी। जाको आए तोई बिहाजो हर गुरते मने बटेरा, निज कर महल पावो सुख सहजे बहुर न होए गोपेरा। अंतर जामी पुरख बदाते सरदा मन की पूरे, नानक दास है सुख मांगे को कर संतन की तूरे। आयो लाख लैण पुरानी आयो है, आयो लाख लैण पुरानी आयो है, आयो लाख लैण पुरानी आयो है, आयो लाख लैण पुरानी आयो है।
नैण पुरानी आयो है आयो ना रानी तू आयो लाहा लैन लगा कितक फकड़े समुख दी चली रैन परम सत्कार योग जुगो जुग अटल तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ महाराज जी दी पावन पवित्र उच्ची सच्ची ते निघी गोद आनंद मान रही गुरु रूप गुरु सवारी सत्संग जीओ जिथे आप जी माई भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ियों गुरु चरणों में पुज के अपनी जिंदगी दे अमोलक समय गुरु चरणों विच लगा के सफलियां करन दी खेचला जानी कृपालता कर उत गुरमुख प्यारे बजुर्ग बापू भाई साहब भाई दर्शन सिंह होरी दड़ा शरीर करके साडे विच नहीं रहे सानू सदीनी विछोड़ा दे के चले गए हैं। उन्हां दी अंतम अरदास विच शामिल होने वास्ते गुरु चरणों में पुजे साध संगत जी असल विच मनमुख की मौत है गुरमुख की मौत कदे भी नहीं होंदी। समा थोड़ा है समय दे विच ही रह के संकोच के विचार कीती जावे मनमुख नूं तां गुरबाणी जिउंदे नूं मुरदा दसदी है पर गुरमुख मर के भी नहीं मरदा। मेरे पातशाह कहिंदे जिन अंतर सुरत ज्ञान नहीं सारे पढ़ो जिन अंतर सुरत ज्ञान नहीं पै की नाहीं बिंद नानक मोयां दा क्या मारना नानक मोयां दा क्या मारना जो आप मारे गोबिंद। वो बंदे जिन्हां ने दुनिया ते आके वैरू दा नाम नहीं जपिया जिन्हां दे मन विच वैरू दा पै नहीं वैरू दा सिमर नहीं कहंदे उन्हां मुरदियां दा की मारना है वो तां जिउंदे जी ही मुरदा हन। दूजे पासे गुरु जी फरमाउंदे हन मनमुख दसना कीता मनमुख मरे गुरमुख सब जीव है जिहड़ा मनमुख है जिउंदे जी मुरदा पर गुरमुख दी जिंदगी उहदे मरन तों बाद शुरू हुंदी है। जद कोई बंदा मर जांदा गुरमुख प्यारे सैकटरी साहब दस रहे सी ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਦਾਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਕੋਚਵੀਂ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਜਾਣਗੇ ਮਨਮੁਖ ਜਾਣਗੇ ਨੁਗਰੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗੁਵਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹ ਕੀ ਹੈ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਾਪੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦਇਆ ਸਿਆਂ ਇਹ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘੁੱਟਾਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੱਟ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਜਾ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਐਸਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਥਿਰ ਜੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਥਿਰ ਜੀਵੋ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਓ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ।
की कहने गुरु की संगत यदि ट्रीटमेंट कराओ, किसी की एक अख निकल जे कोई नहीं कहता मर गया, यदि अख का ट्रीटमेंट कराओ, पर किसी की गर्दन कट्टी जाए कोई नहीं कहता ये जूंदा है। पर गुरु की संगत एक हाथ ते सीस सी ते दूजे हाथ ते खंडा सी। अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी का धड़ लड़ता जा रहा सी खालसा जी, उत्थे मौत कित्थे रह गई सी। गुरमुख प्यारे बापू दर्शन सिंह जी अमृत धारी सन, अमृत छकिया सी मेरे पातशाह कहिंदे गुरु की संगत आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी, जिनको नदर कर्म होवै हिरदे तिना समाणी। मेरे पातशाह कहिंदे पीवो अमृत, सारे पढ़ो पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जप्यो सारंग पाणी कह नानक सदा गावो एह सच्ची बाणी। अमर शहीद बाबा भाई मनी सिंह का बंद बंद कटिया जा रहा सी, जलाद जिहड़े बंद नूं जदों कट्टण लगा तो हुक्म होया सी कलाई की छोटा छोटा करके कटिया जाए। जलाद ने टोका मारिया, देखिया बंदा महारे कहिंदे निरपो जपै सगल भौ मिटै, जिन्हें वहरू का नाम जप लिया उहदे सारे डर ते भौ खत्म हो जांदे ने। जलाद ने टोका मारिया सी बंद बंद कट्टण समय भाई मनी सिंह होरां दी कलाई ते, भाई साहब ने आखिया एवें थोड़ा कि जिस मरने ते जग डरे, सारे पढ़ो जिस मरने ते जग डरे, दुनिया मौत तो डरदी आ, पर भगतां ने गल कह दित्ती मेरे मन आनंद मरने ही ते पाईए पूर्ण परमा आनंद। जलाद ने जदों कलाई ते टोका मारिया ते भाई मनी सिंह होरे कहिंदे जला बंद बंद कट्टण वाले जलाद तेनू हुक्म होया बंद बंद कट्टण दा, मैनू हुक्म होया बंद बंद कटाउण दा। बंद कलाई तो शुरू नहीं हुंदा, बंद पोटे तो शुरू हुंदा, तो मैनू छोटा छोटा करके कट। बंद बंद कट्टण वाले जलाद मैं तेरा हौसला वेखदा कि बंद बंद कट्टण वाले किवें हस हस के बंद बंद कटदे ने, ते तू मेरा हौसला वेख ओए बंद बंद कटाउण वाले किवें हस हस के बंद बंद कटाउंदे ने। कहिंदे जलाद दे हत्थों टोका डिग पिया सी, जलाद दी हिम्मत खत्म हो गई सी। बंद बंद कट्टण वाले जलाद दी हिम्मत जवाब दे गई सी, पर बंद बंद कटाउण वाले गुरु के सिख दी हिम्मत चढ़दी कला च सी। जकरिया खान ने आख्या सी जलादा की गल, आख्या जी मेरे च हिम्मत नहीं रह गई कि मैं सिख दे शरीर नूं बंद बंद कट सका। दूजे जलाद नूं हुक्म होया, उहने टोकरा कोल रख लिया, टुक टुक करके जलाद ने ना जदों बंद बंद कटना शुरू किया। भाई मणि सिंह होरां ने सुखां दी मणि सुखमनी साह दी बाणी दे पाठ शुरू कर लै सन। जलाद बंद बंद कट्टी जांदा सी, टोकरे च रखी जांदा सी, भाई साहब बाणी पढ़ी जा रहे ने, टुक 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 करदे करदे मोढ़ियां तक पैरां तों टुक टुक करके गुरु की संगत जिहड़ा बंद कटदा टोकरे च रखदा। कहिंदे ने माफ करना जलाद दा, जलाद की हैरानगी वधदी जांदी, भाई साहब गोडियां तों पट्टां तक, पट्टां तों ढिड तक, ढिड तों अगे गुरु की संगत माफ करना छाती तक टोका चलता जा रहा, पर भाई साहब पाठ अजीब ही करी जांदे ने। एक बारी कह दिओ बैर गुरु की संगत कहिंदे जदों जलाद ने गर्दन ते टोका मारिया, भाई मणि सिंह होरां ने अठवीं अष्टपदी दे भोग पाए सन, सोलह अष्टपदियां दा पाठ करन वाला बाकी रह गया सी, सारा शरीर कट के टोकरे च पा दिता। कहिंदे बाकी बचदियां सोलह अष्टपदियां दे भोग गुरमुख प्यारे भाई मणि सिंह होरां दे कट्टे कट्टे बंदा ने पाए सन। खालसा जी सिखां ने आख्या सी कलगियां वालिया एक वारी ते दस जा तेरा किहड़ी चीज़ नाल प्यार, मेरे कोल समां नहीं, असीं समें तों अगे नहीं जाणा चाहुंदे। गुरु की संगत माफ करना, आख्या सी कलगियां वालिया पिता ना जे प्यार हुंदा पिता तां ही हस हस दिल्ली वल तोरदा ना, दौलतां ना प्यार हुंदा अरबां दा खजाना कदे सरसा विच रोड़दा ना, तख्तां ना प्यार हुंदा तख्तां दे तां ही दे वलों दाता मुख कदे मोड़दा ना, माता नाल प्यार हुंदा रब वर्गी माता नूं हस हस धर्म तो वारदा ना, वड्डियां ना प्यार हुंदा पा वड्डे पुत्तां नाल वड्डियां ना प्यार हुंदा वड्डियां दे ताईं गढ़ी चमकौर अंदर मौत वाली घोड़ी उत्ते चाढ़दा ना,
छोटियां ना प्यार हुंदा, छोटियां दे ताई कदे कंधां च खलारदा ना। सिंघां नाल प्यार हुंदा, जाना तू प्यारे सिंह जान उतवारदा ना। सच दसी बाजां वाले, सच तई तू पुछदा हां, सच मैं पुकारदा। एक वारी तो दसो मेरे पातशाह, केड़ी घर चीज़ नाल प्यार तेरा मन च विचारदा। कलगीधर पातशाह लगे कहण, सिंह हस के कहण दशमेश लगे, सिंह अगे कोई गल पुछण वाली, सब तू प्यारा अमृत मैनू खंडे वाली धारदा। इन्हां सारियां ही वस्तुआं दे नालों मैनू खंडे बाटे दा अमृत प्यारा। भाई साहब दुनिया ते जो आया उन्हें चलिया जाना। एक बारी कह दे बहरू, इंसान इकला आउंदा ते इकला ही तुर जांदा, माफ करना। दुनिया दे उत्ते ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलदा। असीं बड़ियां मसालां दिंदे हाँ, ऐसा प्रमाण कोई नहीं दुनिया ते मिलदा कि फलाना बंदा दुनिया ते आके रह गया होवे। पर मनमुखां दा जाना होर। भाई साहब पाठ कर रहे सी, माफ करना, अलाणियां दा पाठ, उस तो बाद रामकली साध दा पाठ होया। उहदे विच पातशाह दस रहे सी कि गुरु के संगत माफ करना किवें गलां दे विच मनमुखां नूं संगल पा के जमदूत मार दे कुड़दे ले जांदे ने। बाणी दे विच इह पाठ चल रहा सी, एक वारी कह दे वाहिगुरू। ते दूजे पासे मेरे पातशाह दसदे ने कि गुरमुख आवै जाए निशंग, गुरमुख मैल न लगे पतंग, अंतम समा बाबा बुढ़ा जी दा आया। एक वारी कह दे वाहिगुरू, दुनिया ते सभना ने जाना है। जिवें दुनिया के लोग सकटरी साहब कह रहे सन कि असी इत्थे आ के बड़े घर बना ले, जायदादा बना लिया, प्रॉपर्टियां बना लिया, पर मेरे पातशाह बड़े प्यार नाल कह रहे ने कि इत्थों चलण की तैयारी करो। बाणी च कोई ऐसा शब्द नहीं आता कि इत्थे रहण की तैयारी करो। एक बार कह दो भैरव, कोई ऐसा शब्द नहीं आता कि जिते ये पातशाह कहें हो कि तू इत्थे रहण की तैयारी कर। पातशाह कहें करो बेनती, सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट इहां खाट, चलो हरलाहा आगे बसन सहेला। पातशाह कहें देख फरीदा जी थी या दाढ़ी होई भूर, अगों नेड़ा आया पिछे रह गया दूर, पिछा रह गया दूर। इतों पातशाह कहें अगे चल, अगे चलन की तैयारी कर। ओ बाबा बुढ़ा जी जिन्हां ने 113 साल गुरु नानक दे घर की सेवा की, एक बारी कह दे वाहिगुरू। ओ बाबा बुढ़ा जी गुरु घर के अनड़ श्रद्धालु सिख, जिन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूर जी दे पहली बारी हरिमंदर साहब च प्रकाश करन दा माण प्राप्त होया। ओ बाबा बुढ़ा जी जो गुरु नानक जी तो लै के छेवें पातशाह सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी तक गुरता गुरगद्दी दा तिलक दिंदे आ रहे सी। ओ बाबा बुढ़ा जी जिन्हां ने सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी नूं मीरी ते पीरी दीयां दो तलवारां पहनाईयां। ओ ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी गुरु की संगत जिन्हां दे बचनां नाल छेवीं सरकार सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी महाराज दा अवतार होया सी खालसा जी, अंतम समा बाबा बुढ़ा जी दा आया। जरा ध्यान देना पे भाई, गल समा ज़्यादा नहीं है, ये समा बहुतियां विचारां दा भी नहीं हुंदा, पर प्यार दे विच दो मिनट बोलिया जा रहा। अंतम समा याद, अंतम समा बाबा बुढ़ा जी दा आया। माफ करना, याद कीता सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी महाराज नूं, सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी महाराज नूं याद कीता। पातशाह ने दर्शन दिते बाबा बुढ़ा जी दा, शरीर कोई गुरु की संग शरीर करके ढिला सी, पिट पिछे सराणियां दा ढासना करके ना टेक करके चरण पसार के लेटे सन। सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी ने दर्शन दिते। सिख दी इको इच्छा हुंदी, माफ करना भुलना भुलना ना, सिख कहिंदा मैं जे मैं जीवां ते तेरे चरणां विच जीवां, गरीब नवाज मेरे ते इन्नी कृपा करो, जे मैं मरां ते मैं तेरे चरणां च मरां, आखां जीवां विसरे मर जाओ सच्चे पातशाह। मोहे मरने का चाओ है, किसी दे बेटा जन्म लै लवे, किसी दा बिजनेस चंगा चल पवे, किसी दे करे, माफ करना गुरु की संगत, कुछ व्याह शादी होवे ते लोकी कहिंदे ने साढ़े मन च बड़ा चाओ है। इत्थे रब दे आशकां ने, सतगुरु पातशाह दे सिखां ने यह गल कहती, गरीब नवाज मेरे मन विच चाओ है, जे मैं जीवां ते तेरे चरणां विच जीवां, ते जे मैं कदे मरां भी ते तेरे चरणां विच मरां। मोहे मरने का चाओ है, मरो तो हार के द्वार माथर पूछे कौन है, पर हमारे बाहर। सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी ने दर्शन दिते बाबा बुढ़ा जी ने, माफ करना मेरे को समा बहुत थोड़ा। गुरु की संगत दर्शन दिते बाबा बुढ़ा जी के नेत्रां दे विचों मोतियां वर्गे हंजू बह तुरे। सतगुरु माफ करना गुरु हरगोबिंद जी ने जो दर्शन दिते ते पातशाह कहिंदे बाबा जी तुहाडे नेत्रां दे विचों मोतियां वर्गे हंजू चंगे नहीं लगते। बाबा बुढ़ा जी ने दोवें हथ जुड़ के बेनती की,
पातशाह कहते मंगो। बाबा जी की मंगते हो? बाबा बुढ़ा जी ने बेनती की ग्रीनवाज, इस शरीर का अंतम समा नेड़े आ गया, इस शरीर का अंतम समा नेड़े आ गया। सेवक की ओढ़क निभी प्रीत, ओढ़ कहते हैं खीर तक, सेवक की ओढ़क निभी प्रीत, जीवत साहब सेवो अपना, चल तो राख्यो चीत। बाबा बुढ़ा जी ने गुरु की संगत माफ करना दोवें हाथ जोड़ के बेनती की। पातशाह एक ब्रह्म ज्ञानी की कह रहा है, पातशाह इस शरीर का अंतम समा आ गया, कृपा करो सिर ते मेरे पर हाथ रखो। गुरु हरगोबिंद जी कहते बाबा जी तुसी की चाहते हो? तुहाडे वास्ते तो दरगाह के दरवाजे सदा ही खुले ने, गुरु नानक के घर के दरवाजे सदा ही खुले ने। आख्या बाबा जी मंगो, की मंगते हो? आख्या गरीब नवाज जदों मेरे शरीर का अंतम समा आवे तुहाडे मैनू इस तरह दर्शन होने चाहिए जिवें हुण हो रहे हैं। आख्या तथास्तु बाबा जी। आख्या गरीब नवाज एक मेरी मंग होर है। पातशाह कहिंदे दसो बाबा जी की मंगदे हो? आख्या महाराज जदों मेरा शरीर का अंत हो जाए, इस मिट्टी की मंडोली का, इस पांच भौतिक शरीर का अपने हाथी संस्कार कर देना। मेरे गुरदेव कहिंदे जाओ बाबा जी ऐसा होएगा। मुकदी गल की विचार बहुत लंबी है, समा आने पर ऐसा होया जदों बाबा बुढ़ा जी ने शरीर का त्याग किया, जिवें सप्प नूं कंझ उतार लगे, पंछी नूं अपने खंभ छड्डन लगे, कोई दुख नहीं हुंदा, कोई कष्ट नहीं हुंदा, कोई तकलीफ नहीं हुंदी, ये मैं सत पुरशां नूं, गुरसिखां नूं, गुरमुखां नूं अपने शरीर का त्याग कर लगे, कोई दुख नहीं होया करदा। बाबा बुढ़ा जी नूं पातशाह ने दर्शन दित्ते, मंत्र होए निहाल, जां गुर देखां सामने अपने शरीर का त्याग कर जांदे ने। सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी महाराज ने हुक्म किया संगतां नूं, गुरु की संगत है, बाबा बुढ़ा जी एक पूर्ण पुरख सन, बाबा बुढ़ा जी एक पूर्ण पुरख सन। पातशाह ने आख्या बाबा बुढ़ा जी दे शरीर दे संस्कार की तैयारी की जाए। जदों इशनान कराउन लगे तो मेरे पातशाह आप अगे वधे, बाबा बुढ़ा जी दे ओ तन, बाबा बुढ़ा जी संगतां कह रही सन, बारह माह की बाणी च रोज़ पढ़ते हैं, जो प्रभ किते अपने, सारे पढ़ो जो प्रभ किते अपने, सही कहिए सही कहिए। धन्नवाद बाबा बुढ़ा जी, इन्हें माफ करना, ये बाणी दियाँ पंक्तां पंक्तियाँ आप ते टुकदियां ने। महाराज का हाथी इशनान करा रहे ने, इशनान कर तो बाद जदों बाबा बुढ़ा जी दे शरीर का विमान सजाया गया, माफ करना चंगियां अज असी बहुते लोग पंजाब दे रहण वाले हाँ, झंडियां वगैरह चंगे चंगे वस्त्र पा देने, चंगी झंडियां फुलां दियां माला पा दियां, झंडियां सजा देनियां, उहनूं विमान सजाउणा कहिंदे ने। कहिंदे ने जदों बाबा बुढ़ा जी दे शरीर का संस्कार करन वास्ते गुरु किसन बाबा बुढ़ा जी दे विमान नूं लै के जाण लगे, सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी महाराज ने अपने गले का माफ करना हजूरिया खोल के ते कमर कस्सा कर दे, बाबा बुढ़ा जी दे शरीर नूं अगले पासे हो के अपना सज्जा कंधा दिता। संगतां दीआं ताहां निकल निकल के जांदियां सन, वाह जी वाह, धन 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 जने आया जिस प्रसाद सब जगत तराया। संगतां दीआं ताहां निकल निकल के जांदियां सन, कहिंदे जो संस्कार लगे करन। महाराज छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद जी अपने हथीं गीठा तैयार कर रहे ने, बाबा बुढ़ा जी दे छाती दे कोई लकड़ियाँ, कुछ खब्बे पासे लकड़ियाँ, कुछ सज्जे पासे लकड़ियाँ, जदों अंगीठे नूं शरीर नूं अग्न भेट किया गया, पातशाह पढ़ी जाते सन, जिन्ही नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। मेरे पातशाह कहिंदे गुरु नानक दी संगत है, बाबा बुढ़ा जी गुरु नानक दे घर विच सिखी दा थम सन, बाबा बुढ़ा जी गुरु घर दे विच सिखी दा थम सन, बाबा बुढ़ा जी गुरु घर विच सिखी दी हद सन। सतसंगत गुरमुखां दा दुनिया ते जाना वखरा है, गुरमुख प्यारे बुजुर्ग बापू दर्शन सिंह होरी जिन्हां के मेरा उहदे नाल वाह पिया, जो मैं देखता रहा जदों मैं कितें घर भी गया, कितें पंजाब दे विच वाह पिया, बापू दी जेब दे विच एक माला हुंदी सी, ते एक अमृत वेले दे समय एक नितनेम दा गुटका जरूर हुंदा सी, गुर मेरे संग सदा है नाले, ओ जिंदगी दी बाजी हार के नहीं गया, ए गुरु दा सिख जिंदगी दी बाजी जित के गया जी, गुरमुख लाह लै गए मनमुख चले मूल, गवाए जियो एक शार लिखदा। सतसंग जी कुछ चीज़ां वापस नहीं आया कर दियां, कमान दे निकले तीर, जबान दे निकले बोल,
ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਕਤ ਪੁਰਗਾ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਭਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇ ਕੁਛ ਅਰਮਾਨ ਥੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੁਰਦ ਘਾਟ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇ ਕੁਛ ਅਰਮਾਨ ਥੇ, ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ ਜਾਂ ਖੜੇ ਥੇ ਵੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਥੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਦਾ ਠੇਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹੱਡੀ ਦਾ ਠੇਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇ ਕੁਛ ਅਰਮਾਨ ਥੇ, ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ ਜਹਾਂ ਖੜੇ ਥੇ ਵੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਥੇ, ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਸੇ ਪਾਂਵ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਹੱਡੀ ਕੇ ਜੇ ਬਿਆਨ ਥੇ, ਓ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲੇ ਜਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੋ ਚੱਲ, ਹਮ ਵੀ ਕਭੀ ਇਨਸਾਨ ਥੇ, ਹਮ ਵੀ ਕਭੀ ਇਨਸਾਨ ਥੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰੋ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਤੁਮ ਪੇ ਨਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਹਮ ਉਸੀ ਮੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਫਟਰ ਦਾ ਡੈਥ ਆਫ ਮੈਨ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਦ ਖੈਰ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਨੰਸਾ ਦਾ ਪਾਠ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਮਾ ਜਲਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਵਾਨੇ ਚਲੇ ਆਤੇ ਹੈ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਜਾਂ ਸੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਤੰਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਮਾ ਜਲਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਵਾਨੇ ਚਲੇ ਆਤੇ ਹੈ, ਹੁਸਨ ਬਿਕਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀਵਾਨੇ ਚਲੇ ਆਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਮ ਨਾ ਆਏ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਪੇ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਪੇ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੇ ਚਲੇ ਆਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਕੁੰਕਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪੁਰ ਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਕਾਮਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਤੰਗਾ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਰ ਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਪਗਵ ਪਾਰਨਾ, ਸਭ ਨੰਗ ਮਾਤਮ ਰਾਤ ਤੋਨੀ ਸੁਖ ਮਨੋ ਵਿਤਾਰੇ, ਸੱਚੇ ਟਾਈਪਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ, ਸਦਾ ਸੁਤ ਤਲਾ ਤੇਰੀ ਨੰਗ ਮੈਨੂੰ ਵਿਤਾਵੇ, ਨੰਗ ਪੱਪਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ, ਸੱਚਾ ਨੰਗਰਾ ਆਧਾਰੋ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖਮਨ ਆਏ ਵਧਿਆ ਜਿਨ ਜਾਂ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਨੰਕ ਤੂੰ ਨਾ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪੀ ਯਾਰੋ ਸਾਚਾ ਨਮਰ ਆਧਾਰੋ ਬਜੇ, ਪੰਚ ਤੂਤ ਤੂਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਕਲ ਕੰਟ ਕੁਮਾਰੀਆਂ
पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरे संत सदन पे तत्ते पूरे कुरते यानी तुमते बिनवंत नानक गुरु चरण लागे बाजे अनुभव तुरे तलोक रात तो ताई ताया खेला तगल जगत करमी आपो अपनी किन्नड़ के दूर नानक तेनक उजले कहती छुट्टी नाल बोलो वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की। समा कुछ ज़्यादा लग गया होना, समा लग जाया करदा, मैं इस गल की माफ़ी मंगदा क्योंकि बजुर्गों नाल प्यार ही इन्ना सी। हुण अरदास होएगी, उस तों बाद हुक्मनामा, उस तों बाद अगला प्रोम आप जी सरवण करना जी। टूट